हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू पढ़ते रहो एंड सीखते रहो। तो दोस्तों, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था भाई इंडोसीथियन। हमने क्या कर लिया था, डेंसिटी पढ़ना शुरू कर दी थी। और सबसे पहले देखो, अब इंडोसीथियन देख लेते हैं। इंडोसीथियंस, ठीक है। इसमें हमने सबसे पहले कौन पढ़ लिया था, मोगा पढ़ लिया था या माउस हमने क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। दूसरे शासक कौन थे जिनके बारे में हमने पढ़ लिया था, वो थे नहपान। और तीसरे शासक जो हम इसमें पढ़ने वाले थे वो थे रुद्रदामन प्रथम। इनके बारे में क्या थे आज हम पढ़ने जा रहे थे, ठीक है। जो रुद्रदामन प्रथम थे भाई, इनके बारे में बोला जाता है कि ये क्या थे भाई, सबसे फेमस शासक थे, ठीक है, सबसे प्रसिद्ध शासक थे। कुछ कुछ चीजें जो है इनके बारे में नोट की जा सकती है, वो है प्रसिद्ध शासक। और अगर राज्य अधिकार की बात की जाए, अगर इनका राज्य अधिकार की बात की जाए, कहाँ कहाँ तक इनका राज्य अधिकार था, कितने एरिया में क्या थे ये, मतलब कितने एरिया में शासन किया करते थे, तो ये कितना एरिया था इनका। सबसे पहले कोंकण, सिंध, मालवा, काठियावाड़, गुजरात और नर्मदा घाटी, ये इतने एरिया में इनका बड़ा हिस्सा था। और इतने एरिया में क्या था, इनका राज्य अधिकार था, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, एक काम और किया था इन्होंने, इन्होंने सुदर्शन झील जो कि कहां पर थी भाई, गुजरात में थी, किसके कार्यकाल में निर्मित थी, मौर्य काल में क्या थी वो निर्मित थी, मौर्य काल में क्या थी वो निर्मित थी। मौर्य शासकों ने इसको क्या बनाया था, इसको ये कराया था ना, उत्थान कराया था, ठीक है, क्या कराया था, उत्थान कराया था। और उस टाइम के अगर शासक की बात की जाए कि उस टाइम पे शासक कौन था, तो शासक की बात की जाए तो उस टाइम पे शासक कौन था, सुविशाख था। कौन था, सुविशाख, क्या था भी शासक। तो ये तो होगी एक बात। और क्या बोला जाता है इनको कि रुद्रदामन प्रथम जो थे वो क्या थे भी, संस्कृत भाषा के बहुत बड़े वो थे, सपोर्टर थे, संस्कृत भाषा को बहुत ज्यादा क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। और इनका जो जूनागढ़ का अभिलेख है वो किस भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में क्या लिखा गया है, उसको उत्कीर्ण करवाया गया है, संस्कृत भाषा में क्या कराया गया है, उत्कीर्ण करवाया गया है, ठीक है, ये सबसे। और एक और चीज जो हम इसमें पढ़ सकते हैं वो क्या है भाई, अगर इनके वंश की बात की जाए तो ये किस वंश के थे, कार्दमक वंश के थे, कहां के, उज्जैन के, कहां के थे, उज्जैन के, ठीक है। ये भी क्या रखना है, आपको याद रखना है, कार्दमक वंश के थे, उज्जैन के थे, सब प्रसिद्ध राजा थे अपने समय में, रुद्रदामन प्रथम, तीन ही राजा हुए जो बहुत ज्यादा फेमस थे। इनके राज्य अधिकार की बात की जाए तो सिंध, कोंकण, मालवा, काठियावाड़, गुजरात और नर्मदा घाटी, इतने बड़े एरिया में क्या करते थे, ये शासन किया करते थे, ठीक है। और इन्होंने अपने शासन काल में क्या कराया था, जो सुदर्शन झील थी उसका क्या कराया था, उत्थान कराया था, उसे मतलब ठीक कंडीशन में या रनिंग कंडीशन में पहुंचा दिया था। और इसके साथ साथ सुदर्शन झील के अगर बाद लोकेशन की बात की जाए तो गुजरात में है भाई, और मौर्य काल में क्या बनाया गया था, इसका निर्माण किया गया था, ठीक है, क्या कराया था इन्होंने, इस झील का उत्थान कराया था, जीर्णोद्धार कराया था। और उस टाइम पर शासक कौन था भी, सुविशाख कुशवाहा का शासक था। और रुद्रदामन प्रथम के बारे में कहा जाता है कि ये क्या थे भी, संस्कृत भाषा के बहुत बड़े सपोर्टर थे। और इनका जो जूनागढ़ का अभिलेख है, ये जूनागढ़ क्या है भाई, अभिलेख है, ये अभिलेख है जूनागढ़ के, जो किस भाषा में हमें प्राप्त हुआ है, संस्कृत भाषा में हमें प्राप्त हुआ है, जिससे हमें पता चलता है कि ये संस्कृत भाषा के क्या थे, बहुत बड़े सपोर्टर थे, ठीक है। तो ये तो होगी
आज की बात जो आज हमने पढ़ना था। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट है पहला वंश। ठीक है, ईरान के थे ये। इसके आगे करेंगे हम कल पढ़ेंगे, और आज क्या करते हैं, आज हम जो पहले हमने पढ़ा था उसको ये करेंगे, फटाफट से रिवाइज करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, वीडियो को करेंगे क्लोज। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप चैनल पे नए होंगे तो प्लीज डू सब्सक्राइब, आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमने देखी थी, वे जो इंडो सीथियन थे या सीथियन जितने भी इनके शासक थे या इनका मूल निवास स्थान क्या था, ये सीरिया के उत्तर में निवास करने वाले थे। ठीक है, और इंडियन सोर्स ऑफ रेफरेंस में इन्हें क्या कहा जाता है, सीथियन कहा जाता है। दूसरी बात, और अगर इनकी बात की जाए तो ये आर्य जनजाति के, इनको आर्य जाति का इनको माना जाता है, या इनके बारे में क्या है, इनकी मूल जनजाति के बारे में क्या है, कुछ भी क्लियर जैसा नहीं है, क्योंकि जितने भी सोर्स ऑफ रेफरेंस है हमारे पास उनमें क्या है, इनका अलग अलग हमें डिस्क्रिप्शन देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये क्या थे, पांच शाखाओं में डिवाइडेड थे। सबसे पहली अफगानिस्तान में थी, दूसरी पंजाब में थी, फिर महाराष्ट्र में, फिर पश्चिमी भारत में और उत्तरी ऊपरी दक्कन में। फिर पहला शासक कौन था, मोगा था, और वो क्या था, सबसे पहला प्रथम शासक था, मतलब सीथियन में सबसे पहला शासक कौन था, मोगा था। उसके बहुत सारे सिक्के मिले हैं जिसमें उसे क्या कहा गया है, महाराजा धीराज की उपाधि उसने क्या की थी, ग्रहण की थी, और उसने क्या किया था, अपने राज्य को क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, और दूसरे जो राजा थे वो नहपान थे। नहपान के विषय में बताया जाता है कि वो महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र के थे। ठीक है, किस वंश के थे, एक शहरात वंश के थे, वो भी क्या थे, प्रसिद्ध राजा थे। और क्या हुआ था, उनका सातवाहन शासक गौतमी पुत्र के साथ क्या हो गया था भाई, युद्ध हुआ था जिसमें वह पराजित हो गए थे। ठीक है, इनके सिक्के भी क्या मिले हमें, बहुत सारे सिक्के प्राप्त हुए हैं जिससे हमें पता चलता है इनके बारे में, और इनके सिक्के हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, नासिक से लेकर अजमेर तक क्या हुए, इनके सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो वीडियो को करते हैं क्लोज, आप क्या कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।